हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी में कब आपकी सी सेक्शन हो सकती है। अगर आपके दोनों बेबी ब्रीच पोजीशन में है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो सकती है, और अगर आपके दोनों बेबी तिरछे हैं तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। यदि आपके ट्विन्स बेबी में पहला बेबी जो कि निकास के द्वार वाला है वो ब्रीच पोजीशन में है एंड उसके पीछे वाला बेबी सिफेलिक पोजीशन में है तो ऐसे में डॉक्टर आपको सी सेक्शन की ही सलाह देंगे, क्योंकि इस पोजीशन में बाहरी वर्जन को यूज करना बहुत ही जोखिम भरा माना जाता है। यदि आपका पहला बेबी ऑब्लिक पोजीशन में है यानी कि तिरछा है, इसका मतलब है कि आपके बच्चों का सर तो नीचे की ओर है लेकिन आपके गर्भाशय ग्रीवा की ओर सीधा ना होकर आपके दोनों कूल्हों की ओर है। यदि आपका पहला बच्चा इस पोजीशन को लेता है ऐसे में दो चीजों में से एक काम हो सकता है, या तो आपका बेबी जो है कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी सही पोजीशन ले सकता है, या फिर आपके डॉक्टर जो है आपको सी सेक्शन की भी सलाह दे सकते हैं जिससे कि आपको और आपके दोनों बच्चों को लंबे समय तक चलने वाले लेबर पेन से बचाया जा सके, जिसमें कि पूरी संभावना होती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही ट्राई करना है। यदि आपके बेबी जो है ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो ऐसे में आपका सी सेक्शन ही होगा। यदि आपके ट्विन्स बेबी में लेबर पेन के दौरान कोई भी भ्रूण संकट के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे में भी डॉक्टर को तुरंत ही जो है सी सेक्शन करना पड़ेगा। भ्रूण संकट के लक्षणों में जैसे कि अचानक से फेटल हार्ट रेट में बदलाव हो जाना, या फिर एमनियोटिक फ्लूड में कमी आ जाना, या फिर एमनियोटिक फ्लूड के अंदर मेकोनियम यानी कि बच्चे का पहला मल आ जाना, या फिर अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो जाना, तो ऐसे में आपका जो है तुरंत सी सेक्शन होगा। और यदि आपको प्लासेंटा प्रीविया की शिकायत है तो ऐसे में भी आपका सी सेक्शन ही होगा।